आयुर्वेद में चिरायता का उपयोग बहुत सारी व्याधियों को दूर करने के लिए अलग अलग रूपों में उपयोग किया जाता है। चिरायता का उपयोग सामान्यतया रक्त विकार यानी कि त्वचागत रोग, खाज, खुजली, कुष्ठ रोग तथा ज्वर यानी कि बुखार में प्रयोग में लाया जाता है, लेकिन इसके अलावा भी बहुत सारे लोगों में चिरायता का उपयोग किया जाता है, जैसे कि डायबिटीज यानी कि मधुमेह तथा अस्थमा, श्वास रोग, खांसी जिसे आयुर्वेद में कास रोग के नाम से जाना जाता है। इसके साथ ही शरीर में होने वाली किसी भी प्रकार की जलन, पेट के कीड़े या पेट से संबंधित किसी भी प्रकार के विकार में चिरायता का उपयोग लाभकारी होता है। चिरायता का उपयोग अनिद्रा रोग, गले के रोग, शरीर में किसी भी प्रकार की सूजन या शोथ, किसी भी प्रकार की चोट जो लंबे समय से सही ना हो रही हो उसमें भी चिरायता के काढ़े से ड्रेसिंग करने पर जल्द ही व्रण सूख जाता है। हिलाओं में श्वेत प्रदर, रक्त प्रदर जैसी बीमारियां तथा योनि में होने वाले इन्फेक्शन को काम करने के लिए या मिटाने के लिए चिरायता का उपयोग किया जाता है। चिरायता प्राप्ति स्थान, चिरायता हिमाचल प्रदेश, जम्मू कश्मीर, मध्य प्रदेश, दक्षिण भारत तथा असम में भी पैदा होता है। औषधीय उपयोग की वजह से आप इसे अपनी नजदीकी आयुर्वेदिक स्टोर या पंसारी से ला सकते हो। चिरायता की पहचान, 60 से 120 सेंटीमीटर ऊंचा सीधा पौधा होता है। इसकी उम्र 1 साल के आसपास होती है। इस पौधे की बहुत सारी शाखाएं होती है। पत्ते सीधे होते हैं, 5 से 8 सेंटीमीटर लंबे और 2 सेंटीमीटर तक चौड़े होते हैं। पौधे में ऊपर की तरफ पत्ते छोटे और नोकदार होते हैं, जबकि नीचे की तरफ पत्ते बड़े होते हैं। बहुत सारे फूल लगते हैं, छोटे और हरे रंग के होते हैं। अंडाकार नुकीले बहुत सारे बीज होते हैं। फूल और फलाने का समय अक्टूबर से नवंबर माह तक रहता है। चिरायता का वानस्पतिक नाम स्वर्ष चिरायता, प्रकृति तीखा स्वाद में कड़वा ठंडा और कफ विकार को शमन करने वाला। खांसी में चिरायता का प्रयोग, चिरायता का काढ़ा 10 से 20 मिलीलीटर दिन में 2 बार उपयोग करने से खांसी में आराम मिलता है। पेट के कीड़ों में चिरायता का प्रयोग, पेट के कीड़ों की वजह से शरीर में रक्त की कमी, भूख न लगना, बच्चों में रात को बिस्तर गीला करना जैसी शिकायतें होती हैं, जिसमें चिरायता के काढ़े को 10 से 20 एमएम तक दिन में 2 बार उपयोग करने से पेट के कीड़ों खत्म होते हैं। चिरायता के चूर्ण को मधु के साथ में लेने से भी पेट के कीड़ों खत्म हो जाते हैं। भूख बढ़ाने में चिरायता का प्रयोग, रोजाना खाली पेट 10 से 20 मिलीलीटर काढ़ा या 1 ग्राम के लगभग चिरायता का चूर्ण उपयोग करने पर भूख बढ़ती है। अतिसार रोग में चिरायता का प्रयोग, अतिसार यानी कि दस्त जिसमें भी चिरायता की काढ़े का उपयोग किया जाता है, जिससे अतिसार रोग में आशातीत परिणाम मिलते हैं। यकृत विकार में चिरायता का प्रयोग, जिन लोगों का लिवर फैटी हो जाता है या यकृत की कार्यक्षमता कम हो जाती है, ऐसे लोगों को चिरायता का प्रयोग करना चाहिए। चिरायता से यकृत रोग खत्म हो जाते हैं। रोजाना 20 से 30 ml चिरायता का काढ़ा उपयोग करें। पीलिया रोग में चिरायता का प्रयोग, यकृत को ठीक करने के साथ साथ यकृत की कार्यक्षमता बढ़ाने से पीलिया रोग धीरे धीरे ठीक हो जाता है। त्वचागत रोगों में चिरायता का प्रयोग, सभी प्रकार के त्वचा विकारों, खुजली, कुष्ठ आदि में चिरायता का उपयोग लाभदायक है। लगातार उपयोग करने से स्किन इन्फेक्शन वाले सभी रोग खत्म होते हैं। शरीर में रक्त का शोधन भी होता है। चिरायता का काढ़ा लगातार उपयोग करें 20 से 30 ml भोजन के उपरांत। बुखार में चिरायता का प्रयोग, किसी भी प्रकार के बुखार चिरायता का उपयोग किया जाता है। रोजाना 10 से 20 एमएम चिरायता और कुटकी का काढ़ा बनाकर पीने से बुखार में लाभ होता है। कुटकी चिरायता का प्रयोग विषम ज्वर में किया जाता है। शारीरिक सूजन में चिरायता का प्रयोग, पुनर्वा का क्वाथ तथा चिरायता के क्वाथ में सौंठ का पाउडर मिलाकर पीने से शरीर में किसी प्रकार की सूजन में आराम मिलता है। वैधानिक चेतावनी, किसी भी प्रकार की आयुर्वेदिक औषधि का प्रयोग करने से पूर्व पंजीकृत आयुर्वेद चिकित्सक की सलाह जरूरी लेवे।